नमस्कार दोस्तों, तो आज मैं एक और वीडियो लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। आज मैं श्री कृष्णा वाणी सुविचार आपके साथ साझा कर रहा हूँ, जिन्हें पढ़कर आप धर्म नीति शास्त्र का ज्ञान हासिल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बाबा तेरे अलावा कौन देगा सुकून मेरी रोती हुई आँखों को, किसको देखूं कि नींद आ जाए। हर शख्स अपनी जगह सही है, कमियां और बुराइयां बेतु की बातें हैं। किसी के साथ दुख बांट पाना भी एक तरह का सुख है। किससे कब और कितना बोलना है, अगर तुमने ये समझ लिया तो तुम अपनी जिंदगी के सार्थक बन चुके हो। सहना चाहिए, मौके पर कहना भी चाहिए और शांति के साथ रहना भी चाहिए। जिसमें प्रेम हो वह हर रिश्ता एक बंधन है, वरना यूं ही नहीं राधे के साथ देवकी नंदन है। जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना स्वार्थी नहीं। सेहत के लिए योग और किसी की जरूरत पर सहयोग, दोनों से ही जीवन बदलता है। धर्म से भरा हृदय धर्म का परामर्श देता है और अधर्म से भरा हृदय का परामर्श देता है। निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, परंतु मर्यादा मनुष्य का मन खुद निर्माण करता है। इंसान इसलिए दुखी नहीं है कि वही ईश्वर को नहीं मानता, इंसान इसलिए दुखी है क्योंकि वही ईश्वर की नहीं मानता। रिश्तों में अपेक्षा ही कमजोर बनाती है, अपेक्षा तो स्वयं मस्तिष्क में जन्म लेती है। संदेह की स्याही से संबंध के पृष्ठ पर कभी शुभ अंकित नहीं होता, इसलिए अपने मन के विचार और संबंधों का आधार दोनों ही शुभ रखें। समय आने पर सबको मिलता है, समय से पहले की चाह ही दुख का कारण बनती है। मित्र शब्द को प्रथम उच्चारण करने वाला व्यक्ति मित्रता के लिए सबसे ज्यादा प्रतिबद्ध और समर्पित होना चाहिए। वे मूर्ख हैं जो प्रेम को बकवास कहते हैं। प्रेम इस संसार की मूल है, इसी से संसार बना है। दगा किसी का सगा नहीं होता, जहां मतलब खत्म होता है वहां दगा की शुरुआत होती है। इंसान को उसके कर्म नहीं कर्म के पीछे की इच्छाएं बांधे रखती हैं, क्योंकि इच्छाओं के कारण ही कर्म निर्मित होते हैं। किसी जीव को कष्ट देकर तुम मुझे खुश कैसे देख सकते हो। रिश्तों में नियमित दूरियां रिश्तों को जोड़ती है और अनियमित दूरियां रिश्तों को तोड़ती है। अपने मन और आत्मा से कर्म करें और प्रेम करें तो जीवन आनंदित हो जाएगा। इंसान के बर्बाद होने के 6 कारण नींद, गुस्सा, डर, थकान और आलस्य और काम टालने की आदत। इस दुनिया में सब कुछ खोने योग्य है, केवल ज्ञान पाने योग्य है। हमें चिंता नहीं खुद की, उन्हें चिंता हमारी है। हमारे प्राणों के रक्षक स्वयं सुदर्शन चक्रधारी है। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। कृष्ण कहते हैं, धर्म के लिए लड़ना सीखो, अधर्मी का काल बनना सीखो और अपनों के लिए त्याग करना सीखो। प्रेम का कोई अंत नहीं है, यह विरह से बढ़ता है और आंसू से फैलता है। कभी ग्वाला कभी मुरलीधर, अपराधी सुदर्शन चक्रधारी है वो, दयालु और द्रौपदी का साड़ी भी है वो। सुनो प्रिय, सारी जिंदगी आपका इंतजार किया है मैंने, तो आपकी गैरमौजूदगी से भी प्यार किया है। चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, तुम्हारे साथ पर यकीन रखना, इसमें भी ईश्वर ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा तुम्हारे लिए। दूसरों के कर्मों का श्रेय स्वयं लेकर आप ज्येष्ठ बन सकते हैं, श्रेष्ठ कदापि नहीं। इश्क कोई जंग नहीं जिसे जीतना जरूरी है, इश्क कहानी है जो सदियों से अधूरी है। इंसान समय और अपनी सहूलियत के हिसाब से शब्दों का प्रयोग करता है। रिश्ते बड़ी शिद्दत से बुनने पड़ते हैं, बारीक रेशमी धागों की कारीगरी सबके बस की थोड़ी है। प्रेम के रंग में रंग लो, जीवन सारा ये प्रेम ही है, लोक और परलोक का सहारा। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो, मैं आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से जानता हूँ। यदि आपके पास कोई समस्या आती है तो उसका समाधान खोजे, उससे दूर नहीं भागे। तेरे जरा से दूर जाने पर साथ छूटा छूटा सा लगता है, कितना भी डालो प्रेम बंसी में ये भी रूठा रूठा लगता है। ये दुनिया एक पाठशाला है और ईश्वर इसके गुरु, वह कठिन परीक्षा केवल काबिल व्यक्ति की ही लेते हैं। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ, तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है।
परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, इसलिए जो पीछे छूट गया उसका शोक मनाने की जगह जो आपके पास है उसका आनंद उठाना सीखिए। हम कृष्ण के कृष्ण जी हमारे हैं, हम सब कान्हा के सहारे हैं। हे कन्हैया हम पर कृपा करना, हम तो चरणों के दास तुम्हारे हैं। प्रेम का अर्थ बांधना नहीं है बल्कि प्रेम को बंधन मुक्त कर अनंत तक प्रेम करना है। तेरा मेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। मन का मैल मिटा दो, चारों धाम मेरे अंदर है, शिव मेरे अंदर है, श्री राम मेरे अंदर है। संसार का यही नियम है, जहाँ संयोग है वहाँ वियोग भी तो है। सत्य हमेशा पानी में तेल की एक बूंद के समान होता है, कितना भी असत्य का पानी डाले वह हमेशा ऊपर ही तैरता है। जैसा दर्पण धूल से अस्पष्ट होता है वैसे ही क्रोध से बुद्धि अस्पष्ट होती है। जो है माखन चोर, जो है मुरली वाला, वही है हम सबके दुख हरने वाला। जान से ज्यादा अनुभव बड़ा है, अनुभव से ज्यादा जिंदगी बड़ी है। जिंदगी में रिश्तों की कमी है और रिश्तों में प्रेम ही नहीं है। भाग्यवान वह होते हैं जो राधा कृष्ण के दरबार में शीश झुकाते हैं। जो एक क्षण में बदल जाए, एक क्षण में भंग हो जाए, वह प्रेम नहीं लोभ होता है। जब जिंदगी में बुरा समय आए तब समझ लेना कि अच्छे कर्म का समय आ गया है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण।